डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, सुप्रसिद्ध विचारक गार्नर का कहना है कि जनसंख्या किसी भी राज्य के लिए उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी साधन संपन्नता राज्य के पास है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है, जनसंख्या किसी भी देश के लिए वरदान होती है, परंतु जब अधिकतम सीमा रेखा को पार कर जाती है तब वही अभिशाप बन जाती है। वर्तमान समय में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। हमारे सामने अभी जनसंख्या विस्फोट की समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या मात्र 36 करोड़ थी, जो अब वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 121 करोड़ से भी अधिक हो गई है। विश्व की लगभग 15% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि भूभाग की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.5% है। यह हमारे लिए बेहद चिंताजनक है। नोम चॉम्स्की ने कहा है, महान अर्थशास्त्री माल्थस ने भी कहा था कि जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ जाने के पर प्रकृति द्वारा महामारी आदि रूपों में उसका नियंत्रण कर लिया जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न महत्वपूर्ण कारणों में जन्म एवं मृत्यु दर में असंतुलन, कम उम्र में विवाह, अत्यधिक निरक्षरता, धार्मिक दृष्टिकोण, निर्धनता, मनोरंजन के साधनों की कमी, संयुक्त परिवारों में युवा दंपतियों में अपने बच्चों के पालन पोषण के प्रति जिम्मेदारी में कमी तथा बंध्याकरण, ट्यूबेक्टोमी एवं लूप के प्रभावों के विषय में गलत सूचना या सूचना का अभाव आदि उल्लेखनीय है। गरीबों के द्वारा अधिक बच्चे पैदा करना दर्शाता है कि गरीबी एवं जनसंख्या के बीच आंतरिक संबंध है। गरीबी या निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का कारण भी है और प्रभाव भी। अधिक बच्चे पैदा करके अपने परिवार की बढ़ती आवश्यकताओं से जूझते माँ बाप को बाध्य होकर उन्हें स्कूल जाने से रोकना पड़ता है ताकि वे घर के खर्च में मदद कर सकें, और फिर अशिक्षित एवं अज्ञानी बच्चे अपने पिता के जैसे भाग्य के ही उत्तराधिकारी होंगे और अपने पिता की तरह ही आवश्यकता से अधिक संतानें चाहेंगे। धार्मिक दृष्टि से कट्टर एवं रूढ़िवादी लोग परिवार नियोजन के उपायों को अपनाने के विरुद्ध होते हैं। कई महिलाएं यह तर्क देती हैं कि वे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। भारतीय मुसलमानों में जन्म दर एवं उत्पादकता दर हिंदुओं की अपेक्षा अधिक है। हाल ही में ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप द्वारा मुसलमानों पर किए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। यद्यपि अधिकतर पुरुष एवं स्त्री उत्तरदाता आधुनिक परिवार नियोजन के तरीकों को जानते थे, किंतु या तो वे धार्मिक आधार पर उनका प्रयोग नहीं कर रहे थे या उनको उस बारे में सटीक जानकारी नहीं थी। जनसंख्या वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में चमत्कारिक प्रगति के बाद भी हमारी प्रति व्यक्ति आय में संतोषजनक वृद्धि नहीं हो पाई है। जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण की सैद्धांतिक व्याख्याओं के अंतर्गत एक व्याख्या मानती है कि विकास जनन क्षमता की दर को कम कर देता है। यह भी कहा जाता है कि
विकास मृत्यु दर को जन्म दर की अपेक्षा अधिक कम करता है, जिसका परिणाम जनसंख्या में वृद्धि है। सरकार की जनसंख्या नीति का उद्देश्य न केवल व्यक्तियों की संख्या की अनियंत्रित वृद्धि पर अंकुश लगाना होना चाहिए, बल्कि जनसंख्या के अनियंत्रित प्रसार को रोकना, शहरी क्षेत्रों में व्यक्तियों के बढ़ते हुए केंद्रीकरण को रोकना और व्यक्तियों के पंचमेल मिश्रण के लिए पर्याप्त आवास स्थान एवं आकर्षक पर्यावरण उपलब्ध कराना भी होना चाहिए। पाई राजे इन लक्ष्यों को ऐसी नीतियों के सर्जन और क्रियान्वयन से संयुक्त रूप से जोड़ देना चाहिए, जिनका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रित करना और भौतिक एवं मानव संसाधनों को लाभप्रद कार्यों में लगाने की योजना बनाना हो। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि अपने आप में भले ही समस्या न लगे, परंतु यदि उसे संसाधनों की उपलब्धता से जोड़ दिया जाए तो यह चिंता का विषय बन जाती है। यदि देश लगभग 1.5 करोड़ व्यक्तियों की प्रति वर्ष की वृद्धि से बचना चाहता है तो केवल एक ही मार्ग शेष है कि आवश्यक परिवार नियोजन एवं जनसंख्या हतोत्साहन की कड़वी घूंटी लोगों को पिलाई जाए। इसके लिए एक उपयुक्त जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। परिवार नियोजन को उस दलदल से बचाना होगा जिसमें वह फंसा हुआ है। इसके लिए कार्यक्रम को आंतरिक रूप से और विकास की इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। परिवार नियोजन अभियान को फिर से खड़ा करने के लिए अनेक उपाय करने होंगे। थोड़ी हतोत्साहन के साथ प्रोत्साहन भी आवश्यक होगा। वैधानिक उपाय भी सहायक हो सकते हैं, लेकिन उत्तरदायी माता पिता की भावना पैदा करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि सामाजिक जागृति एवं भागीदारी अधिक से अधिक हो। सबसे अधिक बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में बंध्याकरण की अपेक्षा फासले की विधि को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे इसके अनुरूप जनांकीय प्रभाव प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में लगभग 5 में से 3 विवाहित स्त्रियां 30 वर्ष से कम आयु की हैं और 2 या अधिक बच्चों की माँ हैं। बच्चियां ही बच्चे पैदा करें, इस सच्चाई को बदलना होगा। यह केवल फासले की विधि तथा लड़कियों का अधिक उम्र में विवाह को प्रोत्साहन देने से ही संभव हो सकेगा। परिवार नियोजन स्त्रियों की सामान्य परिस्थिति को सुधारने में भी सहायक होगा। वह स्त्री जिसके पास पालन पोषण के लिए बच्चे हों और जो बार बार प्रसव प्रक्रिया से गुजरती हो, वह अपना अधिक समय माँ एवं पत्नी के रूप में ही व्यतीत करती है और घर की चार दीवारी में ही बंद रहती है। वह समुदाय और समाज में कोई भूमिका अदा नहीं कर सकती जब तक वह अपने परिवार के आधार को तर्कसंगत न बना ले। परिवार नियोजन न केवल परिवार कल्याण में सुधार करेगा, बल्कि सामाजिक समृद्धि तथा व्यक्तिगत सुख में भी योगदान करेगा। भारत जैसे विकासशील देश में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इसके परिणाम स्वरूप देश में अशिक्षा, गरीबी, बीमारी, भूख, बेरोजगारी, आवासहीनता जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होंगी और देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अतः जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक को
इस विकट समस्या से लड़ना होगा। समाजसेवी संस्थाओं की भी इस समस्या के समाधान हेतु महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। आज अंध परंपराओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। बाल विवाह एवं बहुविवाह पर कानूनन प्रतिबंध तो लगाया जा चुका है, परंतु आम नागरिकों द्वारा भी इन कुरीतियों को किसी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि रोकने हेतु शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। महिलाओं के शिक्षित होने से विवाह की आयु बढ़ाई जा सकती है। प्रजनन आयु वाले दंपतियों को गर्भ निरोधक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उन्हें छोटा परिवार सुखी परिवार की बात समझाई जा सकती है। स्टॉप।